हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सी शम्मी सलूजा। देखिए, आज जो इस वीडियो का पर्पस है, उन कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या दुबई। सो गाइस, देखिए, आप अगर इंडिया के बाहर जॉब करने की सोच रहे हैं, अपने आप को इंडिया के बाहर माइग्रेट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, सो गाइस, केवल बीकॉम डिजिग्नेशन से आपके करियर में आपको वो प्रोग्रेशन नहीं मिलेगी। सो आपके पास क्या क्या बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, और AKPIS इंस्टीट्यूट आपको आपके इस ड्रीम को, जो कि आप इंडिया के बाहर सेटल डाउन होना चाहते हैं, उसको किस तरीके से फुलफिल कर सकता है, इस रिस्पेक्ट में मैं ये वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। बिकॉज देखिए, AKPIS इंस्टीट्यूट, एक तो हम इंटरनेशनल कोर्सेज को कंडक्ट करते हैं, एज वेल एज हमारी एक और ब्रांच है AKPIS ओवरसीज, जिसमें हम आइल्स और वीज़ा, इमिग्रेशन, इन चीज़ों से रिलेटेड डील करते हैं। तो गाइस, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, इसमें मैं आपको किस तरीके से आप अपने करियर को इंटरनेशनली सेटल कर सकते हैं, सो आप वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरनेशनली अगर आप सेटल डाउन होना चाहते हो और एक कॉमर्स ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, या एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को है, या किसी भी दूसरे बैकग्राउंड को आप बिलोंग करते हैं, तो देखिए गाइस, आपके लिए एक सबसे अच्छा प्रोफेशन हो सकता है USCMA। देखिए, USCMA इस प्रोफेशन की जो वैल्यू है ना गाइस, वो इंटरनेशनली है। मतलब आप अगर IMA की वेबसाइट पर जाके देखेंगे, सो ऐसी कोई सी भी कंट्री नहीं होगी जहां पर USCMA के प्रोफेशन को रिकॉग्नाइज ना किया जाता हो। इट्स अ ग्लोबल पासपोर्ट। सो गाइस, एक USCMA एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऐसा प्रोफेशन जिसकी जो वैल्यू है वो ग्लोबल वैल्यू है। सो बीइंग इंडियन स्टूडेंट, अगर आप इंडिया के बाहर मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, अगर आपका PR हो चुका है, या आप स्टडी वीजा पे भी जाना चाह रहे हैं, सो गाइस, मेरा आपसे ये कहना है कि केवल BCom बेसिस पे, या अगर आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आप चाहते हैं कि आप अपना करियर मैनेजमेंट फील्ड में स्टैब्लिश करना चाहते हैं, सो गाइस, USCMA इज द राइट चॉइस। उसका सबसे बड़ा रीजन देखिए, एक तो वी हैव एन एक्सपीरियंस, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी कि आइल्स में बैंड आने के बाद जो कि सक्सेसफुली आज कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दुबई में जॉब करें, तो उन सबका ये एक्सपीरियंस कि इंडियन बैकग्राउंड, इंडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर एक कंट्री ओरिएंटेड या ऐसे कोर्स को या ऐसे सर्टिफिकेशन को परस्यू करता है जिसकी रिकॉग्निशन इंटायर वर्ल्ड में हो, सो कहीं ना कहीं जॉब के अच्छे प्रोग्रेशन हो सकते हैं। और देखिए गाइस, USCMA इट्स वेरी शॉर्ट टर्म प्रोफेशन, मतलब इस प्रोफेशन को आप मैक्सिमम 8 मंथ में क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और इवन दो अगर आप एक इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के भी हैं गाइस, तो भी आप USCMA को परस्यू कर सकते हैं। और USCMA एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट का वो डेजिग्नेशन जो कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉरपोरेट फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, इंटरनल कंट्रोल में, 12 ऐसी कोर कॉम्पिटेंसीज एरिया हैं जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपने करियर को काफ़ी अच्छे लेवल पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आप केवल एक BCom स्टूडेंट हैं और BCom स्टूडेंट सोचते हैं कि हम BCom के बेसिस पे इंटरनेशनली जॉब अचीव कर लेंगे गाइस, सो ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि इंडियन बैकग्राउंड, इंडियन BCom ग्रेजुएट स्टूडेंट कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी लैक करते हैं, और देखिए आपके पास वो स्किल भी नहीं है, तो स्किल गैप को आप कैसे फिल कर सकते हैं, एक इंटरनेशनल डेजिग्नेशन को अचीव करके। सो गाइस, सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में अगर आपके पास एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन आता है, सो गाइस, वो है USCMA सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसकी की रिकॉग्नाइज मोर देन 125 कंट्रीज में है, और यहां आपको एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डेजिग्नेशन मिलता है। बिकॉज हमारा एक प्लेसमेंट एजेंसी भी है, और वी आर इन दी ओवरसीज इमिग्रेशन में भी हम डील करते हैं, आइल्स में भी करते हैं, और जिन स्टूडेंट को अगर अपनी PR के लिए कंसल्टेंसी लेनी हो, या उनको अगर स्टूडेंट वीज़ा पे किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट होना, तो हमारे से वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी फाइल का पूरा असेसमेंट करने के बाद, और अगर आपको आइल्स में डिज़ायर बैंड चाहिए, जैसे जो PR के लिए जो डिजायर्ड बैंड होते हैं वो 8778 होते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा, एक एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा आपको आइल्स की कोचिंग क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं, और इंटरनेशनली आपको आपके PR को अचीव करने में हमारा इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से हेल्प करने वाला है। अब मैं बात कर रहा था गाइस,
कि यूएससीए में ही क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो वर्किंग प्रोफेशनल या आपके पास हो सकता है टाइम की कमी हो, आप एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में, जैसे अगर इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कहें या सीपीए कहें, देखिए सीपीए भी एक काफ़ी अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है, लेकिन सीपीए की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, सो गाइज, यूएस सीपीए इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन। उसका रीजन, क्योंकि देखिए यूएस सीपीए में चार सेक्शन है, और आप एक बार यूएस सीपीए को कंप्लीट कर लेते हैं गाइज, सो आपके पास वैरायटी ऑफ वर्क की अपॉर्चुनिटीज है। आप टैक्सेशन फील्ड में काम कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यूएस गैप का आपको पूरा नॉलेज मिलेगा, ऑडिटिंग फील्ड आपके पास, सो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास यूएस सीपीए के लिए अवेलेबल है। बट यूएस सीपीए थोड़ा सा कॉस्टली भी है कंपेरेटिवली यूएससीएमए की, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है गाइस, और यहाँ चार सेक्शन है और यूएससीएमए में केवल दो सेक्शन है। सो गाइस, यूएससीएमए इज ए राइट चॉइस अगर आप एक बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, या आप अपनी फील्ड को कॉमर्स फील्ड में एस्टेब्लिश करना चाहते हो। देखिए गाइस, अकाउंटिंग एक ऐसा डोमेन है जहां पर हमेशा डिमांड बनी रहेगी। सो अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऐसे फील्ड्स होती हैं जहां पर आपको जॉब की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो वेरी शॉर्ट पीरियड में अगर आप अपने करियर को इंटरनेशनली इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बिकॉज यूएससीएमए की जो क्रेडिबिलिटी है गाइस, वो इंटरनेशनली है। सो अगर आप यूएससीएमए परस्यू करना चाहते हैं, इंटरनेशनली अपना करियर सेट करना चाहते हैं, तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट आपकी करंट सिचुएशन को एनालिसिस करने के बाद आपको गाइड करता है कि आपके लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।